प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube परिवार MRS स्टडी में। तो डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहां पे बात करने वाला हूं जो अमीन का बहाली आया है, DLRS का स्पेशल सर्वे अमीन का। कई सारे लोगों का कहना है कि परमानेंट करेगा और संविदा को हटाता नहीं है, तो उसको लेकर यहां पे एक न्यूज़ निकल कर आई है और ये आज का ही न्यूज़ है। डिप्टी सीएम के आवास के बाहर संविदा कर्मियों पर लाठी चार्ज, और बोले 4 साल से नौकरी कर रहे थे, हटा देंगे तो घर कैसे चलेगा सरकार बताए। इसको लेकर यहाँ पे जो है 10 बजे सुबह से ही जो है सम्राट चौधरी के आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने उन्हें समझाकर हटाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। इसके बाद पुलिस ने सख्ती दिखाते हुए सभी को हटाया। बिहार में संविदा पर बहाल 550 विशेष सर्वेक्षण अमीन को राजस्व विभाग ने पद मुक्त कर दिया। इसे लेकर सभी आज पटना में एकजुट हुए थे। अमीन अमानत संघ के बैनर तले संविदा कर्मी प्रदर्शन कर रहे थे। लाठी चार्ज का ये तस्वीर आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका एक वीडियो क्लिप भी मैं आपके साथ शेयर करने की कोशिश करूँगा, जो कि टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूँगा, क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट का इशू होता है, इसलिए आपको टेलीग्राम पे मैं शेयर कर दूँगा। काम पूरा नहीं हुआ है फिर भी हटाया गया। अमीन राजीव कुमार सिंह ने बताया कि सरकार का सर्वेक्षण का काम पूरा नहीं हुआ, इसके बावजूद भी हमें पद से हटाया जा रहा है। इस तरफ सर्वेक्षण के लिए अमीन की बहाली की बात कही जा रही है और दूसरी ओर जो पहले से हैं उन्हें नौकरी से हटाया जा रहा है। 4 साल से बिहार के सभी जिलों में जो बंदोबस्त कार्यालय हैं वहां हम सेवा देते आ रहे हैं। 13 जून को सभी जिला के DM को राजस्व विभाग ने पत्र लिखा कर कहा कि इन लोगों से अपनी सेवा नहीं लेनी है। अब इस परिस्थिति में हमारे पास क्या विकल्प है, सरकार बताएं, राजस्व विभाग बताएं। सर्वेक्षण के दौरान केस भी किया गया लेकिन काम करते रहे। त्रिभुवन कुमार ने बताया कि कई अमीन पर सर्वेक्षण का दौर केस मुकदमा भी हुआ, फिर भी सभी अपने काम में लगे रहे। इलेक्शन ड्यूटी विधि व्यवस्था से संबंधित भी ड्यूटी लगाई गई, तब भी सब ने काम किया। आज अचानक सेवा से हटाने का फैसला लिया गया, इसका विरोध करते हैं हम। 550 अमीन अमानत अपना हक लेकर रहेंगे, चाहे इसके लिए कितना भी संघर्ष क्यों ना करना पड़े। साल 2019 में राजस्व विभाग की ओर से संविदा पर बहाली के लिए जो है 5 पद के 6875 वैकेंसी निकाली गई थी। इसमें अमीन विशेष सर्वेक्षण कानून गो, क्लर्क विशेष सर्वेक्षण अमीन, सिविल इंजीनियर, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी का पद शामिल था। तो ये तमाम बहालियां निकाली जा रही हैं, और एक तरफ अमीन का बहाली निकाला जा रहा है और एक तरफ से जो संविदा पे कार्य काम कर रहे हैं उनको हटाया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं गलत तो है। और मिलकर एक साथ मिलकर आवाज़ उठानी चाहिए ताकि हर किसी को अपना हक मिले। बाकी इससे रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे आप लोगों के साथ शेयर किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड सारी न्यूज़ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू।